टीकमगढ़ के जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने विगत दिनों जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने विविध कार्यक्रम आयोजित किए। देखिए रिपोर्ट। टीकमगढ़ के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले इन छात्रों ने 22 मार्च से 28 मार्च तक गणेशगंज गांव में कैंप लगाकर पर्यावरण संरक्षण और बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए जागरूक किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत हम जल संरक्षण के ऊपर बताना चाहते हैं कि मौसम के जैसे चेंजेस हो रहे हैं, मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से पानी की कमी हो रही है, तो हम बताना चाहते हैं कि पानी को संरक्षण करके रखना चाहिए, कम फैलाना चाहिए, फालतू यूज़ ना किया जाए पानी का, उसको सीमित मात्रा में यूज़ किया जाए और इकट्ठा करके गड्ढों में भरा जाए ताकि बाद में उस चीज़ का उपयोग किया जा सके। हम यहाँ 7 दिन के NSS के शिविर में आए हैं जिसमें आज का एक टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। तो हम घर घर जाके गांव में लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपना कचरा एक स्थान पर डालें, घर के बाहर ना डालें, गलियों में नहीं फैलाएं, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं और पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो वो एक स्थान पर डालें या नगरपालिका के द्वारा जो गाड़ी आती है कचरे वाली उसमें कचरे को डालें, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उन बीमारियों को रोकने के लिए हम उन सबको जागरूक करने के लिए जाते हैं। छात्रों ने गाँव में कैंप के दौरान चित्र प्रदर्शनी लगाकर लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, जल संरक्षण एवं पानी की कमी और घटते जल स्तर के बारे में जानकारी दी। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और समझाया गया कि पानी को कैसे बचाना है। हमने जल संरक्षण रैली के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया कि जो हेडपंप का पानी है वहाँ पे गड्ढा बनाया जाए, उसको रोडों पर ना फेंकाया जाए, यानी कि फैलाया जाता है, और जो सरकार की नल जल योजना चल रही है हमने उनको बताया कि घर घर में टोंटी लगाएं जिससे पानी ना फैले, और हमने वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक के बारे में भी बताया। हमारे ये बच्चे प्रतिदिन गांव में विभिन्न प्रकार की रैलियां निकालने के लिए जाते हैं और आज हमारे ये सभी छात्र एवं छात्राएं स्वच्छता जागरूकता रैली निकालने के लिए गए, और हमारे बच्चे ये प्रथम दिन भी यहां से गए थे, उस वक्त भी इन्होंने गाँव में रैली निकाली थी और जहाँ जहाँ कचरा था रैलियाँ निकाल के लोगों को समझाइश दी, उसका असर जो है हमें देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में बारिश के जल को संरक्षित करने के लिए छात्रों के ये प्रयास सराहनीय है। छात्रों की इस पहल से ग्रामीण जल का महत्व समझ रहे हैं। उम्मीद है छात्रों के ये प्रयास ग्रामीणों को प्रेरित करेंगे और बुंदेलखंड में पानी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News भोपाल। हम सबने ये खाना है।